ये क्यों बनाए गए हैं तो मैं बता दूं, यहाँ पे एक रेलवे लाइन है तो उसको ये लोग क्रॉस कर रहे हैं, तो हाईवे के ऊपर से क्रॉस हो रहा है ना, ट्रेन भी आ चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं, वैसे आप देख सकते हैं तो इसी के रेलवे लाइन के ऊपर से ये गटर्स डाले जाएंगे, है ना। तो इसी का यहाँ पे जो वर्क चल रहा है गंगा एक्सप्रेस वे का, पूरा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट आप देख सकते हैं। तो ये जो रोप्स बने हुए हैं निकलने के बाद वही इंजन वही खाली जा रहा है। जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक ब्लॉग। तो गाइस रोज की तरह मैं फिर आ गया हूँ गंगा एक्सप्रेस वे पे। और गाइस तो दोस्तों आज मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ गंगा एक्सप्रेस वे की। और गाइस मेरी लोकेशन है घटपुरी रेलवे स्टेशन। तो गाइस जो गंगा एक्सप्रेस वे है तो उसके जो रोप्स हैं है ना ये वाले, तो गाइस ये यहाँ पर बन गए हैं और इसके ऊपर भाई गटर्स रख दिए जाएंगे। तो ये क्यों बनाए गए हैं तो मैं बता दूं, यहाँ पे एक रेलवे लाइन है तो उसको ये लोग क्रॉस कर रहे हैं, तो हाईवे के ऊपर से क्रॉस हो रहा है ना, तो रेलवे लाइन के ऊपर से ही यहाँ पे जो गटर्स हैं वो रखे जाएंगे। और गाइस पूरे रोप्स ये तैयार हो गए हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4 इधर हैं और 4 इधर हैं और 4 ही उधर हैं। तो गाइस दिखा रहा आपको प्रॉपर, ये रोप्स आप देख सकते हैं, तो रोप CH188084 और गाइस ये है, तो ये बने हुए हैं। और गाइस ये भी, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट है तो भाई काफ़ी टाइम से यहाँ पे वर्क चल रहा है, तो ये आप देख सकते हैं। और गाइस सामने रेलवे लाइन और आगे घटपुरी स्टेशन है, तो शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, तो जहाँ भी ज़्यादा ज़्यादा पेड़ लगे हैं ना, बहुत सारे पेड़, तो वहीं रेलवे स्टेशन है। तो ये आप देखते हैं रेलवे लाइन। और गाइस पूरी यहाँ पे वैरीगेटिंग कर दी गई है ना कंस्ट्रक्शन साइट पे, और भाई वार्निंग दे रखी होती है। और बोरा रेलवे क्रॉसिंग और उधर भी ये रॉप्स बनाए जा रहे हैं। तो गाइस जल्दी ही यहाँ पे जो गटर्स हैं वो लॉन्च कर दिए जाएंगे। सभी ट्रेन आने वाली है ना, तो सामने पटरी पे है, तो गाइस ये आप पीछे देख सकते हैं भाई ट्रेन आती हुई। पूरा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट आप देख सकते हैं, तो ये जो रॉप्स बने हुए हैं और एक ये बने हुए हैं ना, तो भाई ये रहा रेलवे फाटक है ना, रेलवे क्रॉसिंग। तो भाई एक हाइड्रा यहाँ पे खड़ी हुई है। और गाइस तो ये आप देखते हैं भाई इंजन आता हुआ है सामने। तो आज मैं जो वर्क दिखा रहा हूँ ना, तो वो घटपुरी स्टेशन का है ना, उसके ऊपर से गंगा एक्सप्रेस वे जा रहा है। तो गाइस ट्रेन भी आ चुकी है, तो ये आप देख सकते हैं। वैसे आप देख सकते हैं तो इसी के रेलवे लाइन के ऊपर से ये गटर्स डाले जाएंगे, है ना। तो इसी का यहाँ पे जो वर्क चल रहा है गंगा एक्सप्रेस वे का। तो गाइस ट्रेन जा चुकी है, भाई रॉप्स के नीचे खड़ा हूँ ना तो बहुत ठंडक महसूस हो रही है भाई, बाहर तो उधर ही बहुत गर्मी है, तो भाई छाया में खड़ा हूँ यहीं पे ही। उधर भी जो रॉप्स हैं वो बनाए गए हैं है ना, और उससे उधर यहाँ पे जो आयरन वॉल है उसका ही काम स्टार्ट हो गया है, भाई मिट्टी पड़ के यहाँ पे डंपिंग चल रही है। तो गाइस उधर मैं नहीं जा रहा है ना, क्योंकि रेलवे फाटक भी लगा हुआ है तो थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक मैं आपको ये वाला वर्क दिखा दे रहा हूँ। बोलेरो कैंपर, तो भाई इसमें इंजन जा रहा है, किसी व्हीकल का इंजन जा रहा है इसके अंदर। निकलने के बाद वही इंजन वही खाली जा रहा है।
आज मैं आया था बाइक से, भाई बाइक मिल गई तो भाई एक ही बार में 2-3 ब्लॉग शूट कर डाले। गाइस ये रहा गंगा एक्सप्रेस वे सामने, तो देख रहे हैं आप मिट्टी पड़ी हुई, तो यही पूरा सीधा इन रोप्स के ऊपर से भाई रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करते हुए सीधा निकल जाएगा। और ये HG इन्फ्रा जो कंपनी है ना, तो उसकी ये वैन है DCM, आप देख सकते हैं। जो यहाँ पे वर्कर काम करते हैं ना, तो उनके चैम्बर बने हुए हैं, तो रात में यहीं पे रुकते हैं। और गाइस काफ़ी सारा यहाँ पे जो फ्रेम है वो भी रखे हुए हैं, जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट पे काम में आते हैं। और गाइस बहुत सारे गडर्स भी रखे हैं जो इन रॉप्स के ऊपर उठा के रखे जाएंगे हाइड्रा से, है ना। तो ये आप देख सकते हैं पिलर्स, तो इनको रॉप्स बोलते हैं, रॉप है ना, तो इन्हीं के ऊपर रख दिए जाएंगे। फिर भाई लेबर भी यहाँ पे रुक रही है रात में भी, है ना, सरियाँ वगैरह हर चीज़ भाई सपोर्ट है वगैरह सब हैं जो भी काम में आती हैं। तो गाइस काफ़ी टाइम हो गया, तो जा रहा हूँ घर की ओर। तो भाई आई होप ये आपको रेलवे लाइन का वर्क गंगा एक्सप्रेस वे का आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस जाता हूँ घर की ओर। गाइस आई होप वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। तो गाइस ऐसी इन्फॉर्मेटेड वीडियो गंगा एक्सप्रेस वे की मैं लेकर के आता रहूँगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, दूंगा आपको नई अपडेट। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।